my dear kids, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies. और आज हम chapter number 8 start करेंगे. हमारे chapter का नाम है Early Humans. आज हम आदि मानव के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए chapter start करते हैं. सम एंड सब्सटेंस. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस के बारे में, बिगनिंग ऑफ फार्मिंग, डिस्कवरी ऑफ फायर और हम पढ़ेंगे इन्वेंशन ऑफ द व्हील के बारे में. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी विल डू वन एक्टिविटी. अप्लायंसेस आर एन इंटरनल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. अर्ली ह्यूमन मेड देयर टूल्स फ्रॉम मटीरियल्स अवेलेबल टू देम. आदि मानव ने जो उनको औजार चाहिए थे वो किससे बनाए, जो चीज़ उनके पास उपलब्ध थी. पेज द पिक्चर डेट द अर्ली ह्यूमंस यूज फॉर डिफरेंट पर्पस. अब आपको उन टूल्स के पिक्चर्स को पेस्ट करना है जो अर्ली ह्यूमंस यूज़ करते थे. तो ये टूल्स आपको ईजिली इंटरनेट पे प्रोवाइड होंगे, वहाँ से आप उनकी पिक्चर देखकर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर पेस्ट कर सकते हैं. दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. First, we will learn about life of early humans. People who lived thousands of years ago are called early humans. जो लोग हजारों साल पहले रहते थे उन्हें हम early humans, आदि मानव कहते हैं. Life was very different from them compared to today. आज के ज़माने की तुलना उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी बहुत कठिनाई भरी थी. They lacked proper shelter and often lived under the open sky. रहने के लिए घर नहीं था उनके पास, वो खुले आसमान के नीचे रहते थे. To protect themselves from rain, heat, cold and wild animals, they began residing in forest and cave. अपने आप को आंधी, तूफान, ठंड, गर्मी और जंगली जानवरों से बचाने के लिए वो जंगलों में रहने लगे और अपने आप को गुफा के अंदर छिपाने लगे, जिससे जंगली जानवर उन्हें ना ढूंढ पाएं. इवेंचुअली दे स्टार्ट बिल्डिंग सिंपल हट्स मेड ऑफ ट्री ब्रांचेस एंड लीव्स. और धीरे धीरे उन्होंने पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों से अपने लिए सिंपल हट्स बनाना शुरू करा. फॉर सेफ्टी दे लिव टुगेदर इन अ लार्ज ग्रुप एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड रिसोर्सेज. अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए वो बहुत बड़ी मात्रा में झुंड में रहने लगे और खाने की खोज में वह एक साथ जाते थे एक जगह से दूसरी जगह. क्लॉथ डे स्टोर. अब हम पढ़ेंगे आदि मानव कैसे कपड़े पहनते थे. दे हैड नो क्लॉथ टू वियर. उनके पास कपड़े नहीं थे तो वो क्या करते थे, जानवरों की खाल से और पेड़ों की पत्तियों से अपने शरीर को ढकते थे, जिससे क्या होता था कि उनकी बॉडी जानवर की खाल को पहनने से वार्म मिलती थी, उनको वार्मनेस मिलती थी, गर्माही मिलती थी, जिससे वो ठंड से अपने आप को बचा लेते थे. नाउ वी विल लर्न अबाउट फूड दे एट. वो कैसा खाना खाते थे. आजकल तो खाने की बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और हमें पता है उसे कैसे बनाना है, उसे कैसे टेस्टी बनाना है, लेकिन आदि मानव को ये सब नहीं पता था. तो चलिए पढ़ते हैं वो कैसा खाना खाते थे. They did not know how to grow food. उनको नहीं पता था कि भोजन कैसे उगाया जाए. They moved from place to place in search of food. एक जगह से दूसरी जगह वो भटकते थे भोजन की तलाश में. They gathered roots and fruits from the tree and hunted wild animals for food. वो कंदमूल फल खाते थे, जंगली फलों को खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे और उनका मांस खाते थे भोजन के रूप में. दे एट फ्लैश ऑफ एनिमल्स विदाउट कुकिंग दैम. बिना पकाए जानवरों का कच्चा मांस खाते थे. हैंस अर्ली ह्यूमन्स वर ऑल्सो नोज एंड हंटर गैदर्स. और धीरे धीरे वो जानवरों का शिकार करने लगे. ग्रेजुअली दे मेड सम सिंपल टूल्स यूजिंग स्टोन. और धीरे धीरे उन्होंने पत्थर के औजार बनाने शुरू करे. किस लिए, शिकार करने के लिए. They made sharp weapons of stones and bones to protect themselves from wild animals. और उन्होंने पत्थरों और हड्डियों के औजार बनाए अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए.
देखिए इस तरह के औजारों का वो इस्तेमाल करते थे अपने आप को बचाने के लिए और शिकार करने के लिए। देखिए कितने नौकीले हुआ करते थे ये औजार, ये सब पत्थरों के बने होते थे। नाउ इंटरप्रिटेशन, अर्ली ह्यूमंस वर कॉल्ड नोमैड्स बिकॉज दे डिड नॉट स्टे इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। आदि मानव एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहते थे, वो अपनी जगह बदलते रहते थे। नाउ वी विल लर्न डिस्कवरी ऑफ फायर, आग का आविष्कार कैसे हुआ। अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक फायर बाय स्ट्रिकिंग टू स्टोन टुगेदर। आदि मानव ने आग का आविष्कार कैसे किया, जब उन्होंने दो पत्थरों को आपस में रगड़ा, उसमें से चिंगारी निकली और आग का आविष्कार हुआ। देन दे रियलाइज दैट फायर वॉज यूजफुल फॉर लाइटिंग, कीपिंग देम सेल्व वार्म एंड कुकिंग फूड। और आग के खोज के बाद उन्होंने जाना कि आग से वो क्या है, अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं, खाना बना सकते हैं और आग से रोशनी होती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग। और देखिए आग का आविष्कार हम लोगों के लिए, मानव के लिए कितना अच्छा साबित हुआ। आग से हम बहुत सारे काम करते हैं, घर का ईंधन जो जलता है वो आग से जलता है, और भी बहुत सारे काम आग से होते हैं। नाउ वी विल लर्न बिगनिंग ऑफ फार्मिंग, कृषि का आविष्कार कैसे हुआ। अर्ली ह्यूमंस गॉट द आइडिया ऑफ फार्मिंग फ्रॉम स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम द ग्राउंड। अर्ली ह्यूमंस आदि मानव को आइडिया आया फार्मिंग का, अनाज उगाने का, कैसे पृथ्वी से धरती पर उन्होंने सोचा कि हम अनाज को उगाएं। दे सेटल नियर द बैंक ऑफ रिवर टू वाटर द क्रॉप। और वो कहाँ पर, रिवर के नज़दीक रहने लगे जिससे वो प्लांट्स में पानी दे सके। ग्रेजुअली दे डोमेस्टिकेटेड सम एनिमल्स सच एज डॉग, काउ, शीप एंड गोट। और धीरे धीरे वो जानवरों को पालने लगे, भेड़, बकरी, कुत्ता और गाय को। दीज एनिमल्स गेव देम मिल्क एंड मीट। और ये जानवर उन्हें दूध और मांस देते थे। दे यूज ऑक्सन, हॉर्सेस एंड डोंकीज फॉर फार्मिंग, राइडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। और वो बैल, गधे और घोड़े का इस्तेमाल करने लगे फार्मिंग के लिए और एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को पहुँचाने के लिए। नाउ वी विल लर्न इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का चमत्कार कैसे हुआ। चलिए पढ़ते हैं। अर्ली ह्यूमन नोटिस डेट राउंड ऑब्जेक्ट रोल्ड ईजी, सो दे शेप ट्री ट्रंक इंटू वुडन डिस्क एंड कनेक्टेड दैम विथ एक्सल। अर्ली ह्यूमन आदि मानव ने सोचा कि जो चीज़ें गोल होती हैं वो ईजिली रोल्ड हो जाती हैं, ईजिली चलती हैं, तो उन्होंने पेड़ों की बड़ी बड़ी शाखाओं, बड़े बड़े तनों से और लकड़ी के टुकड़ों से गोल वुडन की डिस्क बनाई और उसे पेचों से कसा। लेटर दे डिस्कवर्ड दैट स्पोक व्हील्स वर लाइटर देन सॉलिड वन। और धीरे धीरे उन्होंने जाना कि जिन व्हील्स के अंदर तारे होती हैं वो सॉलिड व्हील के मुकाबले क्या होते हैं, हल्के होते हैं। लीडिंग टू देयर यूज इन कार्ट्स, वेपन्स एंड पॉटर व्हील फॉर मेकिंग क्ले पॉट। और धीरे धीरे उन्होंने पहिए का यूज़ करा कार्ट्स में, बैलगाड़ियों में, वैगन्स में और पॉटर व्हील, जिसपे क्या होता है, कुमार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसका आविष्कार किया। इंटरप्रिटेशन, द फर्स्ट व्हील वॉज राउंड डिस्क। पहली व्हील जो बनी थी वो क्या थी, राउंड डिस्क थी, विच वॉज कट फ्रॉम अ लॉन्ग वुड। द व्हील वॉज इन्वेंटेड बाय अर्ली ह्यूमंस अबाउट 5000 ईयर अगो। देखिए लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लिया, उसे गोल शेप में काटा, उसे सही सा आकार दिया और क्या बनाया, पहिए का। पहिए का आविष्कार आज से 5000 साल पहले हुआ था। नाउ टाइम टू हैव अ लुक ओवर। अर्ली ह्यूमंस लर्न फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड इम्प्रूव देयर लाइफ बेटर। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड केव्स। अर्ली ह्यूमन आदि मानव जंगलों में और गुफाओं में रहते थे। दे एट फ्रूट्स, रूट्स एंड द फ्लैश ऑफ एनिमल। वो क्या खाते थे, फल, कंदमूल फल और मांस खाते थे जानवरों का। अर्ली ह्यूमन डिस्कवर्ड फायर एंड इट यूजेस बाय रविंग टू स्टोन।
और दो स्टोनों को आपस में घिसकर उन्होंने आग का आविष्कार किया। अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड टू कुक रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड मीट ओवर फायर। दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप एंड इन्वेंटेड द व्हील विच मेड देयर लाइफ मच ईजियर। नाउ टाइम टू डू सम एक्सरसाइज, सो वी विल डू एस्टिमेशन कॉर्नर। नंबर वन एक्सरसाइज है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए। नंबर वन, अर्ली ह्यूमन यूज डैश टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। अर्ली ह्यूमन क्या यूज करते थे जानवरों से बचने के लिए, जंगली जानवरों से? नाइफ, शार्प स्टोन, क्लॉथ्स या लीव? तो वो यूज करते थे शार्प स्टोन्स, नोकीले पत्थर। नंबर टू, अर्ली ह्यूमन कवर्ड देमसेल्फ विद। अर्ली ह्यूमन, आदि मानव अपने आप को कवर करते थे किससे? लीव से, स्किन ऑफ एनिमल, बोथ ए बी या नन ऑफ दीज? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए बी, वो पत्तियों का और जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे। माय डियर स्टूडेंट, नंबर थ्री एंड फोर यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। अब आपको खाली स्थान भरने हैं, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है उसकी हेल्प से। नंबर वन, अर्ली ह्यूमंस लिव अंडर द डार्क स्काई। अर्ली ह्यूमन कैसे आसमान के नीचे रहते थे? वो रहते थे ओपन स्काई में। नंबर टू, दे लिव इन सिंपल हट मेड ऑफ ट्री एंड डार्क। वो सिंपल झोपड़ी में रहते थे जो किससे बनी होती थी? लीव से और ब्रांचेस से। तो ट्री की लीव्स और ब्रांचेस से, पेड़ की शाखाओं और पत्तियों से बनती थी। नंबर थ्री, अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट हैव प्रॉपर। अर्ली ह्यूमंस के प्रॉपर क्या नहीं होते थे? प्रॉपर शेल्टर, shelter, शेल्टर। नंबर फोर एंड फाइव यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ टाइम टू डू एक्सरसाइज सी, अनस्क्रैम्बल द जंबल वर्ड्स बाय यूजिंग द गिवन क्लू टू फाइंड द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसका आंसर जंबल वर्ड की फॉर्म में है, उनको आपको सही से लगाना है और आंसर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अर्ली ह्यूमन डिस्कवर्ड दिस बाय स्ट्रिकिंग टू स्टोन टुगेदर। किसका आविष्कार किया था जब दो पत्थरों को आपस में घिसा जाता है? तो वो थी फायर, FIRE, फायर। सो माई डियर स्टूडेंट, इन दिस वे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल डू बाय योरसेल्फ। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ा, आदि मानव के बारे में पढ़ा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।